उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने एनेक्सी सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरा होने पर कहा कि जो दशकों में नहीं हो पाया वो 4 वर्ष में योगी सरकार ने कर दिखाया तथा जमीन से लेकर आसमान तक, घर से लेकर किसान के खेतों तक, बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक कोई स्थान नहीं है जो विकास से जुड़ा ना हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर अब देश का सबसे हाईटेक सिटी बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार गोरखपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में विकास की धारा बह रही है। वर्षों से जो नहीं हो पाया वह 4 वर्ष में योगी सरकार ने कर दिखाया, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा, एक तो देख लीजिए 4 साल पूरे हो गए, जो बरसों में नहीं हो पाया वो 4 साल में पूरा हो रहा है। जमीन से लेकर के आसमान तक और घर से लेकर के किसानों के खेत तक, बुजुर्गों से लेकर के बच्चे तक कोई स्थान बाकी नहीं है जो विकास के जुड़ा ना हो। मैं तो आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये श्रेय गोरखपुर को मिल रहा है जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने, नहीं सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। जो किताब आपको मिलेगी इसमें सारी उपलब्धियाँ हैं, अगर उपलब्धि गिनाया जाए तो गुरु जी ने भी गया है, मंत्री जी ने तो घंटों लगाए हैं। तो अभी उसके प्रेस वार्ता में चर्चा होगा, हम आप सबको बिठा देंगे। लेकिन ये सर्वोत्तम प्रदेश और मैं गोरखपुर के लिए विशेष कहना चाहता हूँ, अब गोरखपुर होकर गोरखपुर नहीं है, गोरखपुर इस देश का सबसे हाईटेक सिटी बनने जा रहा है, इसको भी कोई रोक नहीं सकता। चाहे जमीन हो, चाहे आसमान हो, चाहे गंगा जमुना का किसान हो, चाहे इसको देश कभी आगे बढ़ते जा रही है। पहली बार आज़ादी के बाद गोरखपुर ही नहीं उत्तर प्रदेश के 75 जिले में भी इस प्रकार से सारी व्यवस्था पूरी हो रही, जो वर्षों से नहीं हो पाया वो 4 वर्ष में होकर के आपको सबको दिखाई दे रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को जैसे संकल्प किया था कि हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी और दुल्हन बन के फिर से सजेगी अपनी धरती रानी, इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग बढ़ रहे हैं। आप सबसे भी आग्रह है, इस लोकतंत्र के चौथे खंभे के नाते खारिज प्रेस वालों को, मीडिया वालों को और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब इस विकास कार्य के लिए जुड़े, आगे बढ़ें और आप सब जो अब तक हमारे साथ जुड़े रहे, दोस्तों रहे, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे जाइए ना।